देश ने 2018 में एक बड़े धोखाधड़ी के मामले को देखा। भगोड़े नीरव मोदी ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। अब पीएनबी में 3800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीएनबी में यह नया घोटाला किया है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड यानी बीपीसीएल की 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का पता लगाया है। बैंक ने इस बारे में आरबीआई को रिपोर्ट भी दे दी है। पीएनबी ने कहा है कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने बैंक कर्ज में धोखाधड़ी की और बैंकों के समूह से फंड जुटाने को लेकर अपने बही खातों में गड़बड़ी की। फिलहाल मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में है और काफी आगे बढ़ चुका है और बैंक अच्छी वसूली की उम्मीद भी कर रहा है। इससे पहले पीएनबी के साथ भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी। ये मामला फरवरी 2018 में सामने आया था। नीरव मोदी ने विदेशों में दूसरे भारतीय बैंकों से कर्ज लेने को लेकर पीएनबी शाखाओं से गलत तरीके से गारंटी ली। इसकी सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं। हीरा कारोबारी नीरव मोदी पीएनबी को 13,500 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज का चूना लगा चुका है। 2018 में घोटाले के सामने आने के कुछ महीने पहले ही वो भारत से फरार हो गया था। नीरव मोदी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए भारत और विदेश में बैंक की शाखाओं से रकम हासिल की थी। घोटाला सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर उसकी संपत्तियां जब्त कर ली थी। फिलहाल लंदन की एक कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।